मैं गरिमा अग्रवाल आप सभी का वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। दीप दान यानी दीपक का दान करना या दीप को जलाकर उसे उचित स्थान पर रखना दीप दान कहलाता है। उचित स्थान मतलब देव स्थान या किसी नदी में प्रवाहित करना। यह प्रभु के समक्ष निवेदन, कृतज्ञता, प्रार्थना, धन्यवाद आदि को प्रकट करने का एक तरीका होता है। दीपदान कब, कैसे, कहां और क्यों करें इसकी जानकारी हमारे दूसरे वीडियो में जल्द ही हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगी। आज हम जानते हैं कि बैकुंठी चतुर्दशी को दीपदान करने के लिए अष्टदल बाती कैसे बनाएं। दीपक की संख्या और बत्तियां खास समय अनुसार किसी देव विशेष और मनोकामना के अनुसार जलाई जाती है और आप विष्णु जी की यह अष्टदल बाती बनाकर जलाएंगे तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। यह बाती आपको दिखने में थोड़ी कठिन लग रही होगी लेकिन इसे बनाना बहुत ही आसान है। तो चलिए इस बैकुंठी चौदस पर अपनी मनोकामनाओं की प्रार्थना के साथ विष्णु जी को इस अष्टदल दीप का दान करते हैं। अष्टदल बाती बनाने के लिए यह हमने कपूर, हल्दी और दूध मिलाकर लिया है और यह हल्दी ली है। हल्दी की जगह आप कुमकुम भी ले सकते हैं। कपूर, हल्दी, कुमकुम इसकी बाती विस्तार से जानने के लिए आप हमारे चैनल पर जाकर दूसरे वीडियो में देख सकते हैं। अब हम इसको इस तरह बनाएंगे। देखिए यह बिल्कुल सरल तरीका है और बड़ी ही आसानी से आप इसे बना लेंगे। हम इस तरह थोड़ी थोड़ी रुई लेकर ऐसे खींचते हुए हल्का हल्का अंगुलियों पर दूध लगाकर बल देते जाएं। इसकी एक साइड को हम ऐसे थोड़ी थोड़ी रुई लगाकर और मजबूत करते जाएंगे। इस तरह थोड़ी थोड़ी रुई लेकर बल देकर एक ही साइड में घुमाते जाएं। इससे इस बाती को मजबूती मिलेगी। इस तरह यह हमको 8 बत्तियां बनानी है और अब यह 8 बत्ती बनकर तैयार हो गई है। इसमें जो साइड हमने मजबूत करी थी उनको बाहर की साइड छोड़ दें और एक साइड को इस तरह से पकड़कर एक साथ घुमाएं और अब इस पर थोड़ी थोड़ी रुई दूध के साथ लगाते हुए इस तरह घुमाते हुए एक साथ इसको मजबूत करते जाएं। ऐसे थोड़ी थोड़ी रुई लगाकर मजबूत करते जाएंगे। तो देखिए बड़ी ही आसानी से तैयार हो गई हमारी अष्टदल बाती। यह कपूर वाली हल्दी आप इस पर लगाते जाएंगे तो इससे यह बड़ी सुंदर और आसानी से जलने वाली बन जाएगी। आप इसे इस तरह के बड़े दीपक में लगाकर घी डाल लें और चाहे तो तिल का तेल डालें और यह दीप जलाकर विष्णु जी को जो उन्होंने हमें दिया उसके लिए धन्यवाद और मनोकामनाओं के साथ समर्पित करें। यह आप मंदिर में या अपने घर के मंदिर में जला सकते हैं। यह बड़ा दीपक है और ज़्यादा बत्तियां हैं तो इसे आप थोड़ा ध्यान से खुले स्थान पर जलाएं। यह है आपका सुंदर और सकारात्मकता से भरपूर अष्टदल दीप। ऐसी ही सकारात्मकता से आपका घर भरा रहे और विष्णु जी आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें। ऐसी और भी सुंदर जानकारियां और सभी व्रत कथाएं सुनने के लिए हमसे जुड़े रहिए। और यदि हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, जिससे हमारे द्वारा दी गई जानकारियाँ समय समय पर आप तक पहुँचती रहे। जय श्री राधे।